सूरत भारत के गुजरात राज्य में स्थित देश का प्रमुख बंदरगाह शहर है, जो किसी समय सूर्यपुर के नाम से जाना जाता था। ये शहर गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। सूरत क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का आठवां और आबादी के लिहाज से नौवां सबसे बड़ा शहर है। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार सूरत भारत का तीसरा सबसे साफ सुथरा शहर है। ताप्ती नदी शहर के मध्य से होकर गुजरती है। सूरत अपने कपड़ा और हीरा कारोबार के लिए विश्व भर में विख्यात है, इसीलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 90% हीरो की पॉलिशिंग यही होती है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार सूरत की आबादी लगभग 46 लाख के करीब है, जो इसे गुजरात के अहमदाबाद शहर के बाद राज्य का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर बनाती है। अगर हम धार्मिक आधार पर जनसंख्या की बात करें तो हिंदुओं की जनसंख्या 87%, मुस्लिमों की 7%, जैनों की 4.7% और ईसाइयों की 0.4% है। इसके अलावा बाकी समुदाय भी कम जनसंख्या में यहाँ पर निवास करते हैं। सूरत शहर की साक्षरता दर 89% है, जो कि राष्ट्रीय दर 79.5% से ज़्यादा है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 93% है और महिलाओं की 84% है। इससे यह पता चलता है कि सूरत शहर में निवास करने वाले ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। सूरत अपने राज्य की राजधानी गांधीनगर से 284 किलोमीटर, अहमदाबाद से 289 किलोमीटर और मुंबई से 265 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूरत शब्द का सबसे पहला वर्णन महाभारत में मिलता है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका जाते समय यहाँ पर रुके थे। तब इस स्थान को सूर्यपुर के नाम से बुलाया जाता था, लेकिन इसका नाम कब और कैसे बदलकर सूरत पड़ा, इस बात का कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। स्थानीय हिंदू परंपराओं के अनुसार यह माना जाता है कि सूरत शहर की स्थापना 15वीं सदी के आखिरी सालों में गोपी नाम के एक ब्राह्मण द्वारा की गई थी, जो इसे सूर्य यानी कि सूर्य का शहर कहता था। 1512 और 1530 में सूरत शहर को पुर्तगालियों द्वारा काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया था। 1513 में आए एक पुर्तगाली यात्री ड्यूरेस्ट बारबोरस के अनुसार सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहां पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कई जहाज आते जाते रहते थे। 1520 ईस्वी तक इस शहर को सूरत के नाम से जाना जाने लगा था। 1608 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के तट पर आना शुरू किया। 1615 ईस्वी में सवाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराने के बाद अंग्रेजों ने यहां पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। सूरत जैसे बंदरगाह में भारतीय व्यापारियों का प्रभुत्व था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अहम स्थान रखते थे। 17वीं सदी के मध्य में दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी वीरजी बोरा को माना जाता था, जो कि सूरत शहर के ही रहने वाले थे। माना जाता है कि वह व्यापार में उस दौर में 80 लाख रुपए तक लगा सकते थे। सन 1662 ईस्वी में जब पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रेंगाजा की इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से शादी हुई तो पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में अंग्रेजों को दे दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई तमाम जानकारियाँ इंटरनेट के माध्यम से ली गई हैं। यदि वीडियो में कुछ छूट जाए तो मैं क्षमा चाहूँगा। दोस्तों, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।